ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से मात देने के लिए रोहित और विराट की टीम में हो रही है एंट्री। इन 11 खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने मैदान में उतरेंगे भारत के शेर। वर्ल्ड कप से पहले कंगारू की हेकड़े निकालने को तैयार हुए रोहित के सुरमा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 27 सितंबर को राजकोट में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 वनडे जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे बढ़त भी ले ली है। भारत टीम पहले ये सीरीज जीत चुकी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप की बेस्ट तैयारी के लिए बहुत बड़ा मौका है। तीसरे वनडे में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांडे जैसे बड़े खिलाड़ियों की एंट्री होगी। राजकोट का विकेट बिन दौर की तरह हाई स्कोरिंग होगा। आइए एक नजर डालते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारत किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगा। ये होगी ओपनिंग जोड़ी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग के लिए उतरेंगे। रोहित शर्मा और ईशान किशन शुरुआती 10 ओवरों में जमकर रन लूटने माहिर हैं। ऑस्ट्रेलिया को राजकोट में रोहित शर्मा और ईशान किशन का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। ये होगा मिडिल ऑर्डर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे। नंबर 4 पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव को नंबर 5 पर उतारा जाएगा। ये होंगे ऑलराउंडर। टीम इंडिया में उप कप्तान हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे, जबकि स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नंबर 7 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। ये होंगे स्पिन गेंदबाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को मौका मिलना तय है। ये होंगे तेज गेंदबाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में जगह दी जा सकती है। अब आइए एक नजर डालते हैं टीम इंडिया के संभावित प्लेइंग 11 पर। रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। तीसरे वनडे मैच को जीतकर टीम इंडिया की निगाहें क्लीन स्वीप करने पर होंगी। इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप में खेलने वाले ही प्लेइंग 11 नजर आएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 वनडे मैचों में भारत की तरफ से गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने दूसरे वनडे में जहां शतक लगाया, वहीं मोहम्मद शमी ने पहले वनडे मैच में 5 विकेट झटके थे। तो अब देखना होगा तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया कैसा खेल दिखाती है और ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करती है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको सिर्फ यही मिलेगी।